देखिए, ये विजय यात्रा का नवा चरण है और नवा शुभ अंक उन्नाव को मिला है। इसके लिए नवे चरण की यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे जनपद उन्नाव को चुना है। तो मैं समाजवादी पार्टी जनपद उन्नाव का अध्यक्ष होने के नाते समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं और पूर्व विधायकों की तरफ से सब की ओर से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नवे चरण का शुभारम्भ करने के लिए जनपद उन्नाव को चुना। जनपद उन्नाव 2012 से 17 तक सजा के संवार कर, चाहे वो ट्रांसगंगा परियोजना हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे मंडियों का निर्माण हो, चाहे ट्रामा सेंटर जैसे स्वास्थ्य से जुड़े बड़े मसले और पॉलिटेक्निक जैसी व्यवस्थाओं से लैस कर यूपीएसआईडीसी का आधुनिकीकरण करके 12 से 17 में एक सुंदर सुसज्जित चुनाव उन्नाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सबको दिया था। 17 में हमारी सरकार गई, 17 से 22 तक इस सरकार के आने के बाद चाहे हमारा ट्रांसगंगा सिटी की जो शानदार परियोजना थी वो ख़त्म हुई, उसमें किसानों पर लाठियां तक बरसाई गई, डीएपी यूरिया की चोरी की गई, बालिकाओं की किस तरीके से जनपद उन्नाव के अंदर हत्याएं हुई, दौड़ाकर मारी गई बालिकाएं और उनको देने वाले लोग थानों में संरक्षण प्राप्त रहे, और किसान नौजवान बेरोजगारी चरम पर है। यूपीएसआईडीसी पर जिस तरीके से वार किया गया सरकारी लोगों के द्वारा, वो एक तरीके से मृत प्राय यहाँ की हो गई है। 2022 में कल के कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, 10-11 बजे उनका हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड करेगा, इसके बाद यहाँ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके बाद सफीपुर में एक जनसभा उनकी है, फिर बांगरमऊ में शांति राइस मिल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, और फिर लखनऊ रोड होते हुए मोहान में स्वप्निन गेस्ट हाउस में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद लखनऊ जाएंगे। और जिस तरीके का माहौल यात्रा के दरमियान इस जनपद के अंदर बन रहा है, हम आप सबको एक बात कहना चाहते हैं, कल का दिन इतिहास साक्षी होगा कि विपक्ष की इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा जनसैलाब, इतना बड़ा सरकार के खिलाफ जो जनाक्रोश है, वो सब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आशीर्वाद देने, उनको सुनने के लिए आएगा, इसका साक्षी होने उन्नाव जा रहा है। इसके लिए हम पूरे उन्नाव की जनता जनार्दन का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। कितने लोगों की यहाँ पर आपको कोई जगह ऐसी नहीं दिखेगी इस मैदान में जहाँ लाल टोपी ना हो। लाल क्रांति कल आएगी, लाल क्रांति 22 में बाइसिकल को लेकर यहाँ सर जाएगी, और 6 में 6 विधानसभा उत्तर प्रदेश में जब जीत कर जाएंगी तो 22 में हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बनेंगे, बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को सुरक्षा मिलेगी, डीएपी चोरी और यूरिया चोरी करने वाले लोग बेनकाब हो चुके हैं, किसान नौजवान सब खुशहाल होगा। 30 तारीख ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से 30 तारीख की शाम को पूछिएगा, आप तय करिएगा, इतिहास में लिखा पढ़ी में कुछ नहीं, जो प्रत्यक्ष आंखों से आप देखिएगा, 30 तारीख पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल करिएगा। जन सैलाब उनकी एक सभा हो रही है, हमारी 3 सभाओं में जगह जगह समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर मुस्तैद होगा, जनसभाओं में पैर रखने की जगह नहीं होगी। लाल टोपी को चुनौती देने वाले लोगों के लिए यह चुनौती है, समाजवादी लाल क्रांति के साथ शुरू हो चुकी है और 22 में बदलाव लाकर बाइसिकल को लाएगी।